हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो जूनियर क्लर्क का जो पेपर हुआ था 24 अगस्त और उसकी जो शिफ्ट है 11 बजे, तो उसका जो आज हमारे जो पेपर है वो मौसूल हुआ है और इसको आज हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास पूरा कंप्लीट पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं कीजिएगा। और जिन भाइयों ने जितने भी करेक्ट किए हैं वो अपने करेक्ट यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक करेक्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, जस्ट लेट डैश बी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जस्ट लेट हर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। दूसरा है, पाकिस्तान मस्ट नॉट पुट साइलेंस रिलायंस। रिलायंस मतलब होता है अपना इनासार करना, किसी पे मतलब भरोसा करना। ठीक है ना, तो इसका जो है सही ऑप्शन है ये, दूसरे का है ए। और इसी तीसरे का चलते हैं, द पीपल आर ग्लोमरिंग। ग्लोमरिंग मतलब होता है शोर शराबा, तो ग्लोमरिंग मतलब शोर शराबा। डैश लोअर प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, तो इसका जो होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से है फोर्थ, नुकबत वाज ऑलवेज रादर अ फुट लॉस करेक्टर रोमिंग डैश जॉब्स बट नेवर सेटल टू एनीथिंग अराउंड। तो यहां पे है इसका फोर का है ए ऑप्शन, अराउंड होगा यहां पे। इसी तरीके है, द सिनोनियम ऑफ द सप्रेस इस, इसका होता है क्वेल, पांचवे का ए है। और इसी तरीके से है, आई नो, नंबर सिक्स है, आई नो ही डज नॉट लाइक यू बट द मोमेंट यू केम इन द रूम आई सॉ हिम गिव यू अ ब्लैक, इसका होगा ब्लैक। ये एक जो है वो लॉजिकल जो है वो उसमें सवाल था। ठीक है, अच्छा, सातवां है, आई एम बारगेनिंग हिम, तो यहां पे होगा सातवें का ए, आई एम बार्गेनिंग विद हिम होगा इसका। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर एट, चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट इज सिमिलर टू द इन द मीनिंग एंड गिविंग इन द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, टू बेयर का है टू कीप अप स्ट्रेट ऑफ और स्प्रिट्स। ठीक है, इसी तरह से है नाइन का है, चूज द सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन options to fill in the blank, you need not worry that you will left on your own because I always, तो 9 का option है A। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं 10वें question की तरफ। ये हमारा है question number 10 कह रहा है, his income dash then yours, his income is less than yours होगा इसका, B option है सही। अच्छा, अब है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सगीर कंप्लेंट अगेंस्ट मी डैश माय फादर, तो इसका जो होगा वो होगा टू, आंसर होगा टू, यहां पे है ए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 11वें का जो है ए आंसर है, टू आएगा यहां पे। फिर है ऑप्शन अपना सवाल, चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, स्पेस, लुक एट द पिक्चर डैश द वॉल, पिक्चर कहां पे होगी, जाहिर बात है दीवार पर होगी, तो ये इसका ए होगा ऑन। अच्छा, ही हैज डैश अल्सर ऑन हिज लेग्स। ठीक है, तो जाहिर बात है वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, तो शुरू में यू आ रहा है तो यहां पे एन हो जाएगा, 13 का बी। तो चूज द करेक्ट आंसर, द मैटर हैज बीन रिफर्ड डैश द मिनिस्टर फॉर डिसीजन, टू द मिनिस्टर होगा इसका, 14 का ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर है, चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, लेट्स प्ले डैश गेम ऑफ हॉकी, तो इसका है सी, लेट्स प्ले अ गेम ऑफ हॉकी। ठीक है, 15वें का सी हो गया। इट इज माई ईगरनेस डैश अटेंड सेरेमनी, तो इसका होगा टू, इट इज माई ईगरनेस टू अटेंड सेरेमनी होगा। ठीक है, इस तरह से 17 है, द एग्जामिनेशन वॉज डिफिकल्ट डैश आई पास्ड With flying colors, ठीक है। 17वें का जो उसका ऑप्शन होगा वो होगा डी, मतलब के the examination was difficult but I passed with flying colors। अच्छा, 18वां इसका क्वेश्चन है, I took a leave dash absence from work after my grandmother passed away,
तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं 18th के, ये 18th के ऑप्शन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर आएगा, ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 19, इसका सबीना हैड इनवाइटेड हर फ्रेंड्स डैश फॉर डिनर्स के लिए, फॉर डिनर आएगा यहाँ पे, इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, हैदर इज द आइदर अ स्कॉलर डैश अ प्रोफेशनल और टीचर, या वो स्कॉलर है या वो प्रोफेशनल टीचर है। तो 20वें का जो होगा वो होगा सी। इसी तरीके से बलूचिस्तान वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैज प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, उसको कब प्रोवेंस का स्टेटस मिला था बलूचिस्तान को, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। 1970 के अंदर जो है वो उसको फुल फ्लैज प्रोवेंस का वो मिला था, उसको स्टेटस मिल गया था। इन पाकिस्तान आयरन कहां पे फाउंड होती है, ये हमारा 22वें का है, भी कालाबाग में होती है। विच कंट्री हैज मैक्सिमम फ्रंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, जाहिर बात चाइना है, जो सीपेक वगैरह बन रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा फ्रंट इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट पाकिस्तान सैट वन इन टू द अर्थ ऑर्बिट, इसके अंदर जो है वो कोई भी नहीं है, 2011 इसका ऑप्शन ही ऑप्शन है, और 24 का ई है। पाकिस्तान फर्स्ट क्वाइन वॉज इशूड, पहला क्वाइन पाकिस्तान कब इशू हुआ था, वो हुआ था 3 जनवरी 1948 को हुआ था। 25वें का है ए। इस तरह से 26वां है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोर्स, पहला क्वेश्चन पाकिस्तान कब हुआ था, 1956 में बना था वो, तो 26 का है हमारा सी। इसी तरीके से 27 है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, व्हाट वाज द व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट प्लेड, वो 13 अगस्त 1954 को पहली बार जो है वो प्लेड हुआ था। तो 27 के बाद हम चलते हैं 28 की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा 28वां सवाल, थोड़ा सा वेट कर लें 1 मिनट, ये हमारा 28 सवाल। अच्छा, 28 में है पाकिस्तान स्टील मिल्स इज लोकेटेड इन, कहां पे पाकिस्तान स्टील मिल्स, वो है कराची के अंदर। 28 का हो गया सी। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं 29 की, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द ओएसी कॉन्फ्रेंस इन 1997 में, कहां पे हुई थी, वो हुई थी इस्लामाबाद में हुई थी। 20 का सही ऑप्शन है। पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, निशान हैदर है, ये 30वें का हो गया ए। अच्छा, 31 है, सिक्स बेल स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एंड रिंग एट द इंटरनल इंटरनल इंटरवल्स 4, 8, 10, 12, 15 सेकंड, ये थोड़ा मैथ का है, इसके मैं सोल्यूशन वगैरह नहीं बताऊंगा, सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो गया इसका 31 का जो है वो ए आंसर है, 31 ही है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड लीव्स रिमाइंडर 3, बट व्हेन डिवाइडेड इज 9 एंड लीव्स, तो 32 का क्या आंसर होगा, 1638, ये इसका सही ऑप्शन है 32 का। 33 है, माय सन अहमद इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, बट इन 2 ईयर टाइम्स ही विल ओनली अ ट्वाइस एज ओल्ड, हाउ वर द एज। तो 33 का जो हमारा ऑप्शन होगा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन थी इसके अंदर, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि इसका सही ऑप्शन जो है वो ए हो, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, 34 की बात कर लेते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर और मदर्स मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू डेट अ मैन। ठीक है, तो 34 का हमारा है, 34 का है ए आंसर हमारा। ठीक है, अच्छा, 35 है, थिंक ऑफ अ नंबर डबल इट एंड एड 15 इट रिजल्ट 81, फाइंड द नंबर, अलग कह रहा है नंबर के बारे में सोचो और उसको जो है वो ऐड करो 15 के साथ, उसको डबल को नंबर को ऐड करो 15 के साथ का रिजल्ट जो 81 बनना चाहिए, तो उसके हमें 35 का है हमारा सी। 33 को डबल कर लिया दो बार, उसके बाद 15 ऐड किया तो 81 बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सेट अ सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो ये है 36, तो 36 पे हम चलते हैं, इसका जो है हमारा 36 का आंसर है बी, सेक्शन इसका आंसर है असल। और 37 है, विच कॉम्बिनेशन की यूज अ शॉर्टकट फॉर गो स्पेसिफिक पेज, तो 37 है इसके अंदर इसका सही ऑप्शन है ए है। इसी तरीके से थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, अच्छा ठीक है, 38 है, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट बटन्स ऑन द डैश टूल बार। ठीक है, तो हमारा 38 का हो जाएगा डी, हेडर और फुटर के अंदर होते हैं।
हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। 39 का हमारा है सी, कंट्रोल शिफ्ट एस से, ठीक है। टू मूव द कर्सर पेज टू, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस, तो 40 का हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। कंट्रोल पेज आप ऊपर दबाएंगे तो पेज आप होगा, एक पेज ऊपर चला जाएगा और एक पेज नीचे चला जाएगा डाउन दबाएंगे तो। अब इसी तरीके से 41 है, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन द एमएस वर्ड स्क्रीन, तो 41 का है हमारा ए, ऑन टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। अच्छा 42 है, टू ऑटो फिल द विड्थ ऑफ कॉलम, तो 42 का हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, तो 43 का जो है हमारा वो ढाई बार इनका फॉर्मेट चेंज करना है, तो दो होते हैं, वर्टिकल पेज होता है एक हॉरिजॉन्टल पेज होता है, तो पेज ओरिएंटेशन के अंदर दो हमारे ऑप्शन होते हैं। व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द डैश डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट इन द विच डेटा वॉज फर्स्ट एंटर्ड, तो 44 का हमारा ए हो जाएगा सोर्स। What the keyboard shortcut key, what is the keyboard shortcut buttons or buttons to be pressed for creating a chart? Chart बनने के लिए F11 हमारा यूज होता है, 45 का है डी, ठीक है। अब 46 की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा zoom कम कर लेता हूं। 46 क्या कह रहा है, इन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड इंडिकेटेड बाय, एक्सेल शीट जो है वो होता है इंडिकेट करते हैं बाय, 46 का हमारा हो जाएगा सी, डार्क और वाइट बॉर्डर से जब क्लिक करते हैं तो इंडिकेट करते हैं वो, ठीक है। अ टेम्पलेट स्टोर्स, इन टेम्पलेट्स का स्टोर करता है, तो 47 का हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ऑटो टैग्स एंट्रीज भी होती हैं कस्टमाइज और ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट, तो 48 का हमारा हो जाएगा, हमारा देखें इसके अंदर देखें 9 है, 12 है, 14 है और डी है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है ना न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट का वो होता है 11, तो 48 का हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 49 की बात करते हैं, व्हाट फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड टैग्स विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, तो 49 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और 50 है, विच ऑपरेशंस यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, तो जाहिर बात है कट एंड पेस्ट करेंगे, 50 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने ये पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है, और ये पेपर है 24 अगस्त को सुबह 11 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है ये, और अगर इसमें फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह शेयर करें। तो Don't forget to share this video with your friends. Subscribe.